हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय हेल्प चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता होंगे मस्त होंगे, अपने माता पिता के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से अच्छे होंगे। तो आज का इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एंड आज है 22 फरवरी और आज मेरा बोर्ड पेपर कक्षा 12 का तैयारी चल रहा है। मतलब आज बोर्ड पेपर देने जाना है 2 बजे से। अभी के टाइम 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। एंड हमारे घर पर यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड उसके बाद गाइज चलते हैं, अभी आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। एंड बने रहिए वीडियो में, एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं क्या होता है वीडियो में। गाइस देखिए, अभी ग्राइम पेपर देने जा रहा हूँ एंड मम्मी का आशीर्वाद ले लेता। पढ़ना मम्मी, मम्मी काम कर रही है यहाँ पर। ये देखिए प्याज इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया। एंड चलो मम्मी रेडी हो जाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं, क्योंकि थोड़ा दही वही पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाइस ये हमारा घर है एंड यहाँ पर मैं हूँ अपने बागान में। एंड अभी के टाइम चलने वाला हूँ पेपर देने के लिए, साइकिल से जाने वाला हूँ, पैदल जाएंगे। एंड चलिए गाइज अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद और आशीर्वाद ले लेते हैं प्यारी सी गौ माता। एंड प्रणाम करते हुए गौ माता से, ये देखिए क्यूट सी, और ये दोनों मेरी गौ माता। एंड इन लोगों का आशीर्वाद लेकर चल देता हूँ। प्रणाम गौ माता, एंड प्रणाम गौ माता। एंड ये 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए दही है जो गुड़ और दही है। लो मम्मी पकड़ो इसको, प्रवेश पत्र पकड़ो। यह है हमारा प्रवेश पत्र गाइस, एंड इस प्रवेश पत्र से जाएंगे हम देने के लिए। एंड सो लाओ दही पी लेते हैं मम्मी। सो गाइस दही पी लिया गाइस। देखिए ये कुछ मेरा हिंदी का पेपर था, और ये है विकल्प जो बहुविकल्पीय होता है, इसमें कवियों का और पाठ का नाम से होता है। उसके बाद दूसरा दिखाता हूँ क्या क्या आया था। ये है दूसरा कुछ, ये दूसरा है। ये देखिए यहाँ पर मतलब गद्य का दिया है, इधर पद्य का दिया है, व्याकरण पर जीवन परिचय दिया है, ये जीवन परिचय, ये जीवन परिचय, एंड पद्य का, गद्य का, और इधर लाठी का, और ध्रुव यात्रा का कहानी, और इसमें दिया है, और ये देखिए ये देखिए, और इसमें श्लोक दिया है, ये श्लोक है, और कुछ मतलब इसमें देखिए ये आंसर है इसका, मतलब करना पड़ता है ढूंढकर इसी से। और ये देखिए यहाँ है ये छोटा सा एक नंबरी क्वेश्चंस, एंड और लास्ट में ये निबंध दिया है, ये निबंध और प्रार्थना पत्र और निवेदन पत्र और श्रृंगार रस अनुप्रास अलंकार और दोहा, और उसके बाद निबंध और उसके बाद प्रार्थना पत्र, ये सब देते हुए मतलब समाप्त हुआ। इतना पेपर में आया हुआ था गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं मिल रहा हूँ आपको एक दिन बाद, क्यों कल 22 तारीख था, आज 23 तारीख है। एंड सो मम्मी का आशीर्वाद और गाय माता का आशीर्वाद लेकर मैं गया था पेपर देने के लिए। पेपर तो अच्छा हुआ, हिंदी का तो अच्छा ही होता है, बट उसके बाद देखते हैं और पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा बीतेगा और क्या परेशानियां आएगी आगे। मतलब वीडियो भी बनाना है, देखना है, एंड डेली ब्लॉग भी देखना है। एंड गाइज सो आज को वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी छोटा ब्लॉग था। एंड यहाँ पर गए थे पेपर देने के लिए, बट इतना ही ब्लॉग है और उससे ज़्यादा नहीं है। एंड गाइज मिलते हैं कल के ब्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक पे, क्योंकि पेपर था, इससे ज़्यादा बना ही नहीं सकते थे। एंड चलिए मिलते हैं गाइज।